मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और एक काम हम करना चाहते हैं, वो ये कि हमारे देश में आजकल 1,000, 500 और 100 के नोट बहुत ज्यादा चलते हैं, 50, 20, 10 के नोट बहुत कम है। कुल करेंसी का 85% 1,000, 500, 100 के नोट है और 15% छोटे नोट है। परिणाम उसका यह है कि पाकिस्तान जाली नोट बना के भारत में डालता रहता है। हर साल पाकिस्तान से 18-20 हज़ार करोड़ के जाली नोट आते हैं, 1,000 के, 500 के, 100 के, और वो भारत में मिला देते हैं। माने हर साल 15-20% नकली करेंसी आ जाती है इस देश में। वो हमारा सिर दर्द है। हमने उसके लिए एक योजना बनाई है कि पाकिस्तान ये जाली नोट डाल के जो भारत में बर्बादी लाना चाहता है, हम पाकिस्तान का इरादा पूरा नहीं होने देंगे। हम क्या करना चाहते हैं, 1,000, 500 और 100 के नोट ही खत्म करना चाहते हैं, रखना ही नहीं है नोट। आप बोलेंगे क्यों? कारण उसका ये है कि इस देश में 84 करोड़ लोगों को तो एक दिन में 20 रुपया मिलता है खर्च करने के लिए, उनको 1,000 के नोट की जरूरत क्या, 500 के नोट की जरूरत क्या, 100 के नोट की जरूरत क्या, उनको तो 20 का नोट चाहिए। इसका माने 70% नोट तो छोटे होने चाहिए, तो छोटे नोट ज्यादा, और बड़े नोट बंद कर दो 1,000, 500, 100, उनके बदले में सबको 50 के नोट दे दो, तो पाकिस्तान देखें क्या करेगा। पाकिस्तान की एक समस्या है कि वो 1,000, 500, 100 के नोट तो छाप के डाल देता है, 50 का नोट नहीं डाल सकता। क्यों? 50 का नोट छापना बहुत महंगा पड़ता है, 50 का नोट छापने में 53 रुपया खर्च हो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले एक पाकिस्तानी एजेंट पकड़ा गया इस देश में, सीबीआई ने उसको गिरफ्तार करके जब इंक्वायरी की और उससे पूछा कि तुम बड़े नोट क्यों लाते हो 1,000, 500, 100 के, 50 का क्यों नहीं लाते, तो उसने कहा कि पाकिस्तान सरकार को 50 का नोट छापने में 53 रुपया खर्च हो जाता है, घाटा है इसलिए नहीं लाते, और 20 का नोट छापने में 25 खर्च हो जाता है, 10 का नोट छापने में 15 खर्च हो जाता है, 1 का नोट छापने में 2 रुपये खर्च हो जाते हैं, 5 का नोट छापने में 10 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो हम छोटे नोट नहीं छाप सकते, हमको ही घाटा है, तो बड़े नोट बंद कर दो, छोटे ही नोट चलने दो। तो एक फायदा और होगा, जब 50 से ऊपर का नोट नहीं होगा, फिर हम देखेंगे कि कौन माई का लाल 10 करोड़ की रिश्वत देने की तैयारी करता है। अभी तो 10 करोड़ की रिश्वत देनी है, ब्रीफ केस में भर के ले जाते हैं, दे आते हैं, 1,000 के नोट है, फिर 50-50 के नोट रहेंगे, तो 10 करोड़ की रिश्वत देने के लिए एक ट्रक भर के नोट लेके जाना पड़ेगा। देखें कौन ट्रक लेके जाता है और कौन ट्रक रिसीव करता है, रखेगा कहां कोई अपने घर में। माना भ्रष्टाचार घोटाला अपने आप कम, नकली करेंसी का खतरा खत्म, बड़े नोटों की छपाई बंद। आपको मालूम है अमेरिका में $100 से ऊपर का नोट नहीं है, अमेरिकन इकोनॉमी में हाईएस्ट डिनोमिनेशन जो है ना वो $100 का है, इससे ऊपर का नोट नहीं बनाया उन्होंने। क्यों? वो भी कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ता है उससे। फ्रांस में $100 चलता है, 100 के ऊपर का नोट नहीं है यूरो का, मैक्सिमम 100 है। तो ये लोग मूर्ख नहीं है जो 100 से ऊपर के नोट नहीं बनाते, उनको मालूम है घोटाला भ्रष्टाचार कंट्रोल रहता है इससे, इसलिए उन देशों में घूसखोरी रिश्वतखोरी बहुत कम। ये तो हमने मूर्खता करके 1,000-1,000 के नोट बनाना शुरू कर दिया, कोई जरूरत नहीं है इसकी।